डेविड कॉपरफील्ड जो कि जो है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। डेविड कॉपरफील्ड इज द 8th नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की 8वीं नॉवेल थी। द नरेटर ऑफ द नॉवेल इज डेविड कॉपरफील्ड। इस नॉवेल का जो नरेटर मतलब होता है जो स्टोरी को नैरेट करता है, जो सुनाता है, यानी कह सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से नैरेट करने वाला वही लिखा हुआ है कि हु नैरेट्स द स्टोरी ऑफ हिज यंग डेज। यंग डेज मतलब क्या, जब वो बच्चा था, छोटा था, उसी समय के स्टोरी को नैरेट करता है कौन, डेविड कॉपरफील्ड, है ना। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850 या 1850 में पब्लिश हुआ था। एज ए यंग बॉय जब वो छोटा था ही छोटा हुआ करता था। ही लिव्स विथ हिज मदर क्लारा कॉपरफील्ड। तुम लोग थोड़ा बहुत सुनी भी होगी इसके बारे में, है ना। हाँ, तो वो अपने माँ क्लारा कॉपरफील्ड के साथ रहती थी। याद रखना सिर्फ क्लारा उसकी माँ का नाम था। एंड हिज नर्स पेगोटी, पेगोटी उसकी एक नर्स हुआ करती थी। हिज फादर डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न ड्यूरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड। मतलब उसका पिताजी जो है जब बहुत छोटा वो था, या फिर कहा जाता है कि वो शायद पिता के मरने के बाद पैदा हुआ था, नहीं, हाँ, उसको पोस्टमॉर्टम चाइल्ड भी कहा जाता है। जिसका पिता मर जाए और जन्म से पहले, उसको पोस्टमॉर्टम चाइल्ड कहा जाता है। तो हिज मदर मैरीज ए वायलेंट मतलब होता है हिंसक, काफ़ी झगड़ालू प्रवृत्ति का, मिस्टर मॉडस्टोन इसका नाम होता है। उसी से वो उसकी माँ क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। हिज स्टेप फादर ब्रिंग्स हिज स्ट्रिक्ट सिस्टर मिस मॉडस्टोन। वो उसका जो सौतेला बाप है, ब्रिंग्स हिज स्ट्रिक्ट सिस्टर, वो अपनी बहन को भी उस घर में ले आता है जिसका नाम मिस मॉडस्टोन यहाँ पर कहा गया है। मिस समझ सकते जिसकी शादी ना हुई हो। इन टू द हाउस, उसके बाद है बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर ट्रीट डेविड वेरी क्रूवेली। क्रूवेली मतलब डबल एल हो जाएगा यहाँ पर, कि बहुत ही बर्बरता से कह सकते हैं, ब्रूटलिटी से उनके साथ पेश आते हैं कौन कौन, यानी उसका सौतेला बाप और उसकी बहन जो मिस मॉडस्टोन है। ही बाइट्स हिज फादर्स हैंड ड्यूरिंग वन बीटिंग। एक बार ना जो उसका पिता, जो सौतेला पिता है मिस्टर मॉडस्टोन, वो पीट रहा था इसको और उसमें ये काट लेता है उसके हाथ में। जो बच्चा का स्वभाव होता है दांत काटने का, ये काट लेता है। एंड ही इज सेंट अवे टू ए स्कूल, और इसी कारण से उसको किसी एक दूर के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। बोर्डिंग स्कूल तुम लोग समझते होगे, यानी बहुत जो हॉस्टल वगैरह में समझते हो। आगे देखो अगले पैराग्राफ में, पेगेटी टेक्स डेविड टू विजिट हर फैमिली। पेगेटी जो है डेविड को अपने परिवार के कह सकते हैं पास ले जाती है, मतलब अपने परिवार में। पेगेटी ही बचपन से उसका देखभाल की थी, जो उसकी नर्स भी थी या दाई वगैरह कहते हैं जिसको हम लोग, उसको बहुत प्यारी थी वो, मतलब चूंकि वो बहुत ज़्यादा केयर करती थी उसकी। वेयर ही मीट्स हर ब्रदर, जहाँ वो उसे मिलाती है अपने भाई से, या फिर कह सकते हैं मिलती है। एंड ही इज टू एडॉप्टेड चिल्ड्रेन, उसके दो एडॉप्टेड चिल्ड्रेन है, किसके, उसके भाई के, ठीक है, यानी पेगेटी के भाई के दो एडॉप्टेड मतलब गोद लिए हुए, अपने नहीं है, एडॉप्टेड चिल्ड्रेन है। हैम नाम है एक का और एक का एमिली है। मिस्टर पेगेटी लिव्स विद हिज फैमिली इन ए बोट, और मिस्टर पेगोटी किसको कहा गया यहाँ पर, उसके भाई को, ठीक है ना, पेगोटी के भाई को कहा गया मिस्टर पेगोटी। मिस्टर पेगोटी जो है अपने परिवार के साथ एक बोट यानी नाव वगैरह में, बड़ा सा नाव में रहता है। ही लिव्स एट ए प्लेस ऑफ हिज डाइड ब्रदर एंड शेयर इट विथ हिज विडोड वाइफ। मतलब कह सकते हो कि वो उस जगह पर रहता है जहाँ पर उसका भाई मर गया है उसका, एंड शेयर इट विथ हिज विडोड वाइफ, और उसके साथ जो है उसके भाई का पत्नी भी रहता है, विधवा पत्नी कह सकते हैं, जिसका पति पत्नी मर चुका है, यानी इसका भाई। आफ्टर द विजिट, घूमने के बाद डेविड अटेंड्स ए स्कूल। डेविड एक स्कूल जाता है जिसका नाम होता है सेलेम हाउस, तुम लोग सुनी होगी इसको, स्कूल का नाम, जहाँ का जो होता है ना, ये कह सकते हो कि ये स्कूल का जो डीन होता है, डी एंड डीन शब्द समझती है तुम लोग, डीन मतलब जो प्रिंसिपल, हाँ, जो हॉस्टल वगैरह होता है उसको डीन कहा जाता है, हॉस्टल का प्रिंसिपल को। तो मिस्टर क्रिकल उसका नाम होता है, वो बहुत ही क्रूर हुआ करता है। देयर ही बी फ्रेंड्स टू बॉयज़, वो दो लड़कों से शादी कर दोस्ती करता है। बी फ्रेंड मतलब दोस्ती करना, किससे किससे, जेम्स स्टीयरफोर्थ और टॉमी ट्रेडल्स। दोनों ही अजीब किस्म का आदमी था, एक तो खूब मोटा था और एक तो पढ़ने में भुजगोल था। डेविड्स मदर डाइज एंड ही रिटर्न्स होम। अब खबर मिलती है कि उसकी माँ मर गई, स्वाभाविक है वह बेटा तो अब देखने तो आएगा ही। वेयर हिज फादर नेगलेक्ट्स हिम, अब उसके बाद जो है, अभी तक तो उसका पिता खर्च भी उठा रहा था, जो जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मम्मी के डर से उसके खर्च उठा रहा था, लेकिन जब माँ मर जाती है उसका पिता उसको अनदेखा कर देता है, मतलब सौतेला पिता जो है, और कह सकते हो एक तरह से उसका खर्च उठाने के लिए भी मना कर देता है।
ही वर्क्स एट वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री ऑफ हिज फादर, मतलब वो जो है ना उसको एक वाइन फैक्ट्री में काम करने के लिए भिड़ा देता है, एक शराब का जो है कारखाना होता है। देयर ही नीड्स मिस्टर माइकॉबर, माइकॉबर एक नाम है जो कि वहाँ पर मिलता है उससे एक फैक्ट्री में, हु मिस मैनेजेज हिज फाइनेंस, जो कि उसके बाप के पैसे को, सौतेले बाप के पैसे को इधर उधर करता है। मिस मैनेज मतलब पैसा गवन कर लेना, घोटाला कर लेना। माइकॉबर लीव्स फॉर लंदन, और कुछ पैसा घोटाला करके वो लंदन चला जाता है टू एस्केप फ्रॉम हिज क्रेडिटर्स, मतलब और इतना ही नहीं वो जो है ना ढेर आदमी से वो कर्जा लेकर, या फिर कह सकते हो उसका उसके ऊपर बहुत ही कर्ज है, ठीक है, बहुत सारे कर्ज हैं उसके ऊपर, इससे बचने के लिए वो चला जाता है लंदन। डेविड डिसाइड्स टू सर्च फॉर हिज फादर्स सिस्टर मिस बेट्सी, अब देखो उसकी एक ही रिलेशनशिप में मात्र जिंदा थी, कौन, उसके पिता की बहन, बुआ इसकी, मिस बेट्सी जिसका नाम होता है, मिस बेट्सी ट्रूटवुड, हु इज़ ओनली लिव रिलेटिव, मतलब एक ही जिंदा लाइव रिलेटिव कह सकते हैं, एक जिंदा जो बची एक ही मात्र उसके परिवार में, माँ तो मरी गई, पिता जन्म से पहले मर गया। ही वॉक्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, पैदल ही जाता है, बहुत लंबा दूरी तय करता है। ही वॉक्स ए लॉन्ग डिस्टेंस टू हिज आंट्स होम, अपने जो है आंट के बुआ के घर वो जाता है। सी टेक्स हिम इन द एडवाइस ऑफ हर मेंटली अनस्टेबल फ्रेंड मिस्टर डिक, उसका एक कह सकते हो कि दिमागी हालत उसका ठीक नहीं, उसका एक दोस्त है मिस्टर डिक जिसका नाम होता है, वो अंदर ले जाती है। शुरू में तो मना करती है उसको पहचानने से भी कि वो, क्योंकि देखो क्या हुआ था, रीज़न थोड़ा सा और बताते हैं, उसकी बुआ को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहती थी हमेशा से कि उसको एक लड़की हो, लेकिन ये लड़का था, समझ रही है ना, मतलब लड़की उसको चाहिए था, लेकिन लड़का होने के कारण इसको पसंद नहीं किया जा रहा था, इसीलिए बुआ वो उसको घर तक अंदर आने नहीं दे रही थी, लेकिन उसका जो दोस्त था, क्या नाम था, मिस्टर डिक, उसके कहने पर वो किसी तरह से उसको अंदर लेके गई। हिज आंट सेंड्स हिम टू ए स्कूल, फिर से अब वो स्कूल जाता है, विच इज रन बाय डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, जो कि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के द्वारा रन किया जा रहा है। दो स्कूल का डीन अभी तक ध्यान में रखना, पहला था मिस्टर क्रिकल, अब ये डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। डेविड मूव्स इन विथ मिस्टर विकफील्ड एंड हिज डॉटर एग्नेस, अब डेविड जो है वहाँ से मूव कर जाता है विकफील्ड और उसकी डॉटर के साथ, कह सकते हैं कहीं और चला जाता है, एग्नेस जिसका नाम होता है। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, और मिस्टर विकफील्ड की जो बेटी थी एग्नेस उसका अच्छा दोस्त बन जाती है। देयर वन ऑफ बोर्डर्स यूरिया हील, अब देखो वहाँ पर जो है ना उसके घर एक काम करने वाला होता है, विकफील्ड के घर पे यूरिया हीप जिसका नाम तुम लोग सुनी होगी, यूरिया हीप का कैरेक्टर पूछा जाता था एक टाइम में, ट्वेल्थ में जब था ये, हाँ, तो यूरिया हीप बहुत ही कनिंग आदमी था, धूर्त आदमी था, हु इज ए स्नेक लाइक पर्सन, कह सकते हो कि नहीं आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं, वैसा ही आदमी था। ऑफन इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन द पर्सनल मैटर्स, जो कि विकफील्ड के पर्सनल मैटर में हमेशा दखल देता है, जबकि इसका काम सिर्फ है बिजनेस को देखना। डेविड ग्रेजुएट्स एंड गोज टू यारमाउथ, यारमाउथ एक जगह है वहाँ वो जाता है, वेयर मिस पैगेटी लिव्स, जहाँ पर मिस्टर पैगेटी व्हीलर रह रही है। नाउ सी इज मैरिड टू मिस्टर बार्किस, उसने अब मिस्टर बार्किस से शादी कर ली है। ऑन हिज वे टू यारमाउथ, जब वो जा रहा होता है, ही इनकाउंटर्स हिज स्कूल फ्रेंड्स, उसको एक बार फिर से अपने जो वो उसमें वहाँ पर जो दोस्त मिला था उसको, क्या था, सैलम हाउस जो स्कूल का नाम था, वहाँ पर जो दोस्त मिले थे उसके, कौन कौन, स्टीयर फोर्थ, तो उससे एक बार फिर से मिलता है स्कूल फ्रेंड स्टीयर फोर्थ से। दे टेक ए डिटोर टू विजिट हिज मदर, मतलब कह सकते हो अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है उसका दोस्त। एट यार माउथ स्टीयर फोर्थ एंड पैगेटीज बिकम फॉन्ड ऑफ वन अनदर, मतलब जो है स्टीयर फोर्थ भी जो है ना काफ़ी कह सकते हो कि लाइक वो भी अच्छा प्यार उसको देने लगती है, लाइक वो भी इसको कह सकते हैं कि मानती है इसको काफ़ी ज़्यादा। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है काफ़ी शौकीन हो जाना, चाहने लगना एक दूसरे को। वेन दे रिटर्न हिज आंट टू हिज आंट, जब लौटते हैं वे, हिज आंट परसुएड्स डेविड, देखो डेविड कहीं जाना नहीं चाहता है काम करने के लिए, इसकी बुआ इसको कहते हैं इंसिस्ट करती है कि तुम जाओ प्रैक्टिस करो, जो जिसकी पढ़ाई की उसकी प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हारी नौकरी लगेगी या फिर तुम पैसा कमा पाओगे। परसुएड्स डेविड टू स्टार्ट हिज करियर टू प्रॉक्टर, ए लॉयर होता है, प्रॉक्टर कहा जाता है, तो वो प्रॉक्टर के तौर पर उसको एक जो है अपना करियर शुरू करने के लिए जिद करती है। एट लंदन, लंदन में ही लिव्स एट द फर्म ऑफ स्पेनलो एंड जॉर्किंस, इस फर्म मतलब होता है कोई उद्योग वगैरह, ठीक है, वहीं पर वो स्पेनलो और जॉर्किंस नाम है, वहीं पर वो रहता है, उसी के कह सकते हैं कि देखभाल, उसी का कुछ बिजनेस देखता होगा, कुछ बताता होगा, सलाह देता होगा उसको। देयर डेविड मीट्स स्पेनलोज डॉटर डोरा, अब यहाँ पर फिर वो एक और लड़की से मिलता है, अभी तो एग्नेस से करीब आया था, वो दोस्त बना था, अब यहाँ पर वो डोरा से मिलता है जो कि स्पेनलो की बेटी है। He falls in love with her quickly, और जल्दी वह उसके प्यार में पड़ जाता है। In London,
डेविड इज रीयूनाइटेड विथ टॉमी। अब लंदन में एक बार फिर से वो दूसरा फ्रेंड था उसका, एक तो था ही ना, क्या था, स्टीयरफोर्थ, ये दूसरा फ्रेंड टॉमी जो था उसका, टॉमी और माइकॉबर भी यहीं आ गया है, लंदन आया था ना भाग के, हाँ तो यहाँ उसकी मुलाकात माइकॉबर से भी होती है। ही गेट्स द न्यूज़ दैट बार्किस इज़ बैडली इल, खबर मिलती है कि बार्किस बुरी तरह बीमार पड़ चुका है, मतलब जिसके यहाँ पर कह सकते हो थोड़ी बहुत इसने प्रैक्टिस की थी, वहाँ भी रहा था ये कुछ दिन के लिए, जिसकी यानी एग्नेस का पिता रे वही था ना। ही विजिट पैगटीज इन आवर ऑफ नीड, अब देखो तो वो जो है बार्किस को विजिट करती है, मतलब यहाँ पर जो है ना, हाँ 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 समझ गए, तो जो है ये एक्चुअली ये बार्किस जो है पैगोटी की जो है, पैगोटी का हस्बैंड था ना, उसी को वो विजिट करता है, बैडली इल, वो बहुत तरह बुरी तरह बीमार पड़ गया है। ही विच, अब देखो चूंकि स्वाभाविक है पैगोटी के काफ़ी करीब था, चूंकि मैंने पहले भी बताया बचपन से इसको पाला पोसा था, तो इन आवर ऑफ नीड मतलब होता है ज़रूरत के घड़ी में, ज़रूरत की घड़ी में वो पैगोटीज एस लगाया गया, क्योंकि वहाँ पर दोनों से यानी उसके दंपत्ति कह सकते हो, दोनों पति पत्नी से मिलता है ये जाकर। इवेंचुअली मतलब होता है फाइनली, अंततः बार्किस डाइज, वो मर जाता है। ही फाइंड्स एमिली अपसेट, वो देखता है कि एमिली जो है काफ़ी उदास है। आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद सी रन्स ऑफ विथ स्टीयरफोर्थ, अब यहाँ पर तुम लोग देखी होगी कि स्टीयरफोर्थ काफ़ी करीब आया था पैगोटी के, एक्चुअली कारण यही था कि वो उसकी बेटी को पसंद करता था, यानी जो एमिली थी उसकी बेटी, पैगोटी की बेटी थी, और वो स्टीयरफोर्थ के साथ वो जो है रन्स ऑफ मतलब वो चली गई। His aunt informs him that, उसकी aunt inform करती है that her financial security has been ruined because Mr. Wickfield has done partnership with Uriah Heep. Mr. Wickfield के कारण क्या हुआ है कि उसका सारा पैसा डूब गया है, मतलब मिस्टर विकफील्ड ने बोले थे, उसका जो बेदिमागी दोस्त था एक ठो नहीं था जी, जिसके कहने पर उसको अंदर आने दिया था मिस्टर विकफील्ड उसके, और तो क्या हुआ कि उसने यूरिया हिप के साथ जो है पार्टनरशिप करके रखी हुई थी, इस कारण से उसका सारा पैसा, यूरिया हिप तो था ही कह सकते हैं बास्टर्ड, बहुत ख़राब इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, बहुत ही धूर्त का टाइप का इंसान था। डेविड वॉज टू वर्क हार्ड टू मेक हिज लाइफ पॉसिबल विद डोरा, अब डोरा के साथ वो तो ही वॉज इन लव विद डोरा, तो वो चाहता है कि डोरा के साथ वो अपने लाइफ को स्टेबल कर पाए, तो वो बहुत ही मेहनत करता है पैसा कुछ कमाने के लिए ताकि वो सेटल हो पाए। हाउएवर स्पेनलो फॉरबिड होगा यहाँ पर एस डी एस होगा, फॉरबिड्स मना कर देता है डोरा फ्रॉम मैरिंग डेविड, मतलब डोरा को मना कर देता है तुम शादी मत करो डेविड से, नहीं कर सकती एक तरह से। तो मिस्टर स्पेनलो डाइज इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में किसकी मौत हो जाती है, स्पेनलो की मौत हो जाती है। डोरा गोज टू लिव विथ हर आंट्स, और वो वहाँ से दूर चली जाती है अपने आंट्स के साथ रहने के लिए। दे मैरिड टुगेदर, दोनों शादी भी कर लेते हैं, बट सी प्रूव्स होगा यहाँ पर प्रूव्स PROVES ठीक है, प्रूव्स, सी प्रूव्स टू बी ए टेरिबल हाउस वाइफ, लेकिन वो अच्छी हाउस वाइफ नहीं बन पाती है कह सकते हो, क्योंकि इसने जल्दी में फैसला लिया था, सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ था, वास्तव में ये एग्नेस को अच्छे से जानता था, लेकिन ये डोरा के करीब काफ़ी जल्दी आ गया था। एनीवे डेविड लव्स हर एंड ही इज हैप्पी, फिर भी वो खुश रहता है। डेविड एंड मिसेज पैगटी, अब मिसेज पैगटी तो जिंदा ही ना है, एंड फाइंड एमिली, एमिली मिल जाती है, लिटिल एमिली एंड मिस्टर पैगटी डिसाइडेड टू मूव ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया जाने की जो है वे लोग प्लान बना लेते हैं। कौन कौन, मिस्टर मिस पैगटी होगा एक्चुअली ना, मिसेज पैगटी होगा यहाँ पर, मिसेज पैगटी डिसाइडेड टू मूव ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जाने की जो है वे लोग सोच लेते हैं। माइकॉबर्स आल्सो मूव्ड ऑस्ट्रेलिया, अब जो माइकॉबर्स जो लंदन भागा था वो लंदन से वो भी ऑस्ट्रेलिया चला गया। यूरिया हीप इज प्रूव्ड फ्रॉड, यूरिया हीप को फ्रॉड प्रूव कर दिया गया, मतलब उसको पुलिस के हाथों पकड़ा दिया गया। अब देखो ए पावरफुल स्टॉर्म हिट्स यारमाउथ, यारमाउथ में बहुत एक आंधी तूफान आता है एंड किल्स हैम, हैम जो एक इमली का भाई था ना वो मारा गया। व्हाइल ही वॉज रेस्क्यूइंग ए सेलर, एक सेलर मतलब नाविक होता है, रेस्क्यूइंग होगा यहाँ पर, सी छूट गया है, RESCUING, जब रेस्क्यू कर रहा था बचा रहा था एक सेलर को एक नाविक को, तो यहाँ जो है वो मर गया है उसी कह सकते हैं कि स्टॉर्म में आंधी में। द सेलर प्रूव्स टू बी स्टीयरफोर्थ, और वो कोई नहीं बल्कि स्टीयरफोर्थ ही था। मीनव्हाइल इसी बीच डोरा फॉल्स इल, डोरा बीमार पड़ जाती है एंड डाइज, वो भी मर जाती है। डेविड लीव्स द कंट्री टू ट्रेवल एब्रॉड, वो विदेश घूमने के लिए चला जाता है।
हिज लव फॉर एग्नेस ग्रोज व्हेन डेविड रिटर्न्स, जब वह लौटता है तो जो है उसके लिए फिर एग्नेस के लिए उसके हृदय में प्रेम पनपता है। ही एंड एग्नेस हु हैज लॉन्ग हार्बर्ड ए सीक्रेट लव फॉर हिम, मतलब जो वो उसके भी मन में कहीं ना कहीं फीलिंग्स था उसके लिए, वो बहुत समय से पाल के रखी थी, कभी बताई नहीं थी, दे गेट मैरिड, फिर से वो शादी कर लेता है एंड हैव सेवरल चिल्ड्रेन, कुछ बच्चे भी होते हैं। डेविड परस्यूज हिज राइटिंग करियर विथ इंक्रीजिंग कॉमर्शियल सक्सेस, मतलब उसको व्यापार में भी अच्छी सक्सेस मिलती है और वो कह सकते हो कि अपना सक्सेसफुल एक लाइफ बिताता है, किसके साथ, एग्नेस के साथ, हिज न्यू वाइफ, सेकेंड वाइफ जो है। अब यहाँ पर इसके थीम की बात की गई है, तो थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द पोएम इज गुड वर्सेस, वर्सेस वीएस शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, उसी को वर्सेस कहा जाता है। गुड वर्सेस इविल जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा इसका थीम है। डिकेंस हैज कंपेयर्ड हिज गुड कैरेक्टर्स टू हिज बैड कैरेक्टर्स, इसमें दो तरह के कैरेक्टर्स को हमेशा दिखाया गया है। अब तुम लोग खुद ही कंपेयर कर सकती है, उसका अच्छा बाप जो था पिता वो मर चुका है, वो बुरा बाप उसको उसका साथ मिलता है, माँ अच्छी भी थी थोड़ी बहुत तो वो भी मर ही गई, जो जो अच्छी थी धीरे धीरे उसको कह सकते उससे वो दूर होता चला गया। हुई वर डज द रॉन्ग, अब लेकिन इसमें ये काफ़ी जस्टिफाइड है, ये नॉवेल जो है जस्टिफाइड वर्ड समझती है, जस्टिफाइड का मतलब होता है काफ़ी, यानी जो बुरा था उसको बुरा मिला फल, जैसे कि मैकबेथ में इसका उल्टा होता है, मैकबेथ में बुरे को अच्छा मिलता है, हालांकि फाइनली उसमें भी सज़ा मिलती है, लेकिन इसमें क्या है ये काफ़ी जस्टिफाइड नॉवेल कहा जाता है, क्योंकि जो बुरा था उसको उसके साथ बुरा हुआ, वही कह रहा है। हुई वह डज रॉन्ग रीचेज टू डेथ, मतलब जो भी बुरा करता है वो, हालांकि कुछ अच्छे आदमी भी मरते हैं इसमें, वही कह रहा है। कैरेक्टर्स लाइक ट्रोटवुड होगा यहाँ पे, ट्रॉटवुड नहीं था एक कैरेक्टर, ट्रॉटवुड मिस बैट्सी ट्रोटवुड नहीं थी जी, उसकी हाँ आंट जो थी, हाँ पैगेटी हो गई। एंड मैकोबर्ड आर सिम्बल ऑफ गुडनेस, ये सब अच्छाई का प्रतीक है, क्योंकि ये पनाह देते हैं बहुतों को कह सकते हैं। वाइल यूरिया हीप, कुछ बुरे कैरेक्टर्स थे, यूरिया हीप मडस्टोन हो गया, मडस्टोन यानी उसकी बहन भी और वो भी, मिस्टर मडस्टोन एंड मिस मडस्टोन, क्रिकल भी बहुत बुरा आदमी था है ना, आर सिम्बोलाइजिंग द इविल थिंग्स, बुरे चीज़ों को जो है सिम्बोलाइज कर रहे हैं। द मोरलिटी ऑफ द नॉवेल इज जस्टिफाइड, ये काफ़ी जस्टिफाइड, इसीलिए कहा मैंने या मोरलिटी को जस्टिफाई किया गया है, बिकॉज द डेस्टिनी रिवार्ड्स द गुड वन एंड पनिशेज द बैड वन, इसका मतलब क्या हो गया, यदि नियति यानी भाग्य जो है अच्छे को रिवार्ड करती है, पुरस्कृत करती है, एंड बुरे को पनिश भी करती है, दंड भी देती है। अब कह रहे हैं कि थ्रू आउट द नॉवेल एवरी वन इज सीकिंग द ट्रूथ, यानी हर कोई सच को ढूंढने में लगा हुआ है, ट्रूथ होगा यहाँ पर, ट्रूथ। अब यहाँ पर हैप्पीनेस, यहाँ पर एक थीम जो है यहाँ पर लिखा गया है कि हैप्पीनेस अगला थीम है, ये हैप्पीनेस डेविड इज वन ऑफ देम बट इट इज अनक्लियर दैट ही सक्सीड्स और नॉट, मतलब वो चाहता है हमेशा खुश होना, लेकिन ये कहीं स्पष्ट नहीं हुआ कि वो अंततः खुश भी रह पाया कि नहीं रह पाया। इफ़ वी कंसिडर, इफ़ होगा यहाँ पर, इफ़ वी कंसिडर पैगेटी एंड डेविड, यदि हम पैगेटी और डेविड को देखें तो वी कम टू फाइंड दैट दे गेट हैप्पीनेस फ्रॉम देयर फैमिली एंड स्पॉसेस, मतलब पैगेटी को खुशी किससे मिलती है, अपने परिवार से, और स्पॉस मतलब जानती है, स्पॉस मतलब वाइफ होता है, पत्नी, ठीक है, इसको पत्नियों से खुशी मिलती है, हालांकि दोनों से ना सही लेकिन मिलती जरूर है। आगे बढ़े तो माइकोबर्स एंड यूरिया ही फाइंड देयर हैप्पीनेस इन मेनी बट बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, अब माइकोबर्स और यूरिया हीप जो है दोनों ही, मतलब कह सकते हो दोनों खुशी ही ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन माइकोबर्स कह सकते हो कि अच्छा ही काम एक तरह से करता है, वो बुरे को ही ठगता भी है, पैसा भी बेईमानी करता है, तो उसके पिताजी का वो भी जो कि अच्छा आदमी नहीं है, यूरिया हीप अच्छे आदमी का बेईमानी करता है पैसा वो, और हालांकि उसको पनिशमेंट भी मिलती है। फाइंड देयर हैप्पीनेस इन मैनी बट बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, दोनों ही अलग कैरेक्टर्स हैं, एंड दिस डिफरेंस इज अबाउट मोरलिटी एंड इमोरलिटी, मतलब एक मोरल कैरेक्टर है दूसरा इमोरल है। द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ऑफ द नॉवल इज दैट ह्यूमंस कैन नेवर गेट हैप्पीनेस, अब देखो फाइनल कंक्लूजन क्या है, ये अपना अपना सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान कभी खुशी नहीं पा सकता, यह नॉवल जो है ये दिखाती है। By earning either relationship or money, मतलब क्या, इंसान ना ही पैसे से खुश हो सकता है ना ही परिवार से। It is all about contentment, यानी ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने contented हैं, contented word समझती है, संतुष्ट, satisfied, ठीक है, आप कितने satisfied हैं ये उस पर निर्भर करती है, satisfaction जिसको कह सकते हैं, इसके लिए दूसरा word यूज़ कर सकते हैं। The one who is content is happy, मतलब जो संतुष्ट रहेगा वही खुश रहेगा, ये नॉवेल यही हमें सीख देता है। अब देखो एक और यहाँ पर जो है थीम इसका लिया गया है, अनडिसिप्लिन्ड हर्ट, अनडिसिप्लिन्ड हर्ट यानी अनुशासित कह सकते हो कि यहाँ पर अनुशासनहीन कह सकते हैं, अनडिसिप्लिन्ड हर्ट इज अनदर थीम ऑफ द स्टोरी,
यानी अनडिसिप्लिनड हर्ट, कह सकते हो कि हृदय को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। अब सोच लो, तुम ही सोचो, यदि उसकी माँ दूसरी शादी ना करती, उसको संतुष्टि रहती, अपने बेटे को अच्छे से वो चाहती, पाल पोस कर बड़ी कर सकती थी, सर्वाइव कर सकती थी, लेकिन क्या हुआ, बुरे पति के कारण, या फिर कह सकते हैं कि जो भी सिचुएशंस रही हो, या उसकी बहन भी तो अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो भी मर जाती है और बेटे को भी सर्वाइव करना पड़ता है। दिस काउजेज फॉल ऑफ डेविड फॉर गर्ल्स क्विकली, और यही कारण है कि वो अपनी माँ से दूर हो जाता है और दूसरे आदमियों के करीब आता है, खास करके लड़कियों के। एंड स्ट्रॉन्गली ही फॉल्स इन लव विद डोरा इवन बिफोर ही हैज हैड द चांस टू से वर्ड, होगा एल नहीं लगेगा यहाँ पर, से वर्ड टू हर, मतलब बिना कुछ कहे उसके प्रेम में पड़ जाता है, देखते ही कह सकते हो, यानी काफ़ी लगाव है इसको लड़कियों से, क्योंकि वास्तव में इसको कोई अपना कहने वाला है नहीं, अपना तरह का कोई जो इसके फ्रेंड सर्कल का हो, लाइक अपने तरह का, जिससे ये हर कुछ शेयर कर पाए। ही हैड ग्रेट फीलिंग्स फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए उसके दिल में बहुत इज्जत है, चाहे वो उसकी आंट रही हो या मिस पैगटी रही हो, जो भी थी, सबको ये बहुत इज्जत किया, हु आर मच ओल्डर देन ही, जो कि उससे बहुत बड़े ही बड़े भी थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही हैड ए ब्रीफ क्रश ऑन मिस सेफर्ड। अब इसमें एक और कैरेक्टर थी मिस सेफर्ड, जिसका जिक्र हालांकि नहीं हुआ है, उसके लिए भी उसके मन में बहुत कुछ था, हुम ही बेयरली न्यू, जिसको वो जानता भी नहीं था। इट इज ऑल्सो द ट्रूथ दैट ही टर्न्स टू बी ए मैच्योर्ड एंड रियलाइजेज दैट। अब देखो, आखिर में वो जब उसकी पहली पत्नी डोरा मर जाती है, तब उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आती है, स्वाभाविक है, कोई मोरलिटी इमोरलिटी सिखाने वाला था नहीं, बचपन से अकेले ही सर्वाइव किया, अच्छा बुरा कोई बताने वाला था नहीं, जब इसने खुद सर्वाइव किया, अच्छा बुरा देखा, तो इसको समझ में आया कौन अच्छा है कौन बुरा, तब जाकर इसे रियलाइज हो, वही लिखा है यहाँ पर कि मैच्योर्ड हो जाता है, वो परिपक्व हो जाता है एंड रियलाइजेज दैट एग्नेस इज द पर्सन हुम ही लव्स मैच्योरली, और उसको ये समझ आ जाता है कि वो एग्नेस ही सही लड़की थी। अनदर थीम ऑफ द थीम्स ऑफ द नॉवल कैन बी द रोल ऑफ फादर, दूसरे थीम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रोल ऑफ फादर, पिता की क्या भूमिका होती है, मतलब इसका अच्छा पिता नहीं था, इस कारण से ये कह सकते हैं ये इस रास्ते पर आया, फिर कह सकते हैं इसकी जिंदगी ऐसी हुई। फिर है फीमेल एम्पावरमेंट, यानी नारी सशक्तिकरण, यानी फीमेल को इसमें एम्पावर किया करते हुए दिखाया जा रहा है, मतलब नहीं है एम्पावर्ड तब कमजोर पड़ जाती है। चिल्ड्रेन एंड देयर ट्रीटमेंट, बच्चों के साथ कैसा उनका बर्ताव होता है, ये भी चीज़ बहुत मायने रखता है, हम बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि इसी पर उसका भविष्य निर्भर करता है। थैंक यू।